देख सकते हैं इसमें पनीर है और इसमें नान है दोस्तों, आ चुका है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरे ब्लॉग को देख रहे हो। और आप सभी का फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, अभी मैं नीचे वाला रूम पे आया हुआ हूँ और अभी लगभग 1 बज चुके हैं। और दोस्तों कल तो आपको क्या ही बताएं, बहुत ही हालत ख़राब हो चुका था, आप लोगों को पता ही है। मैं भीग करके घर आया था तो तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था और आज भी ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि भीगने में हालत ख़राब हुई है। मुहर्रम में जो गया बहुत ज़्यादा भीग गया था, पूरा नहा लिया था दोस्तों। और दोस्तों ऐसा हाल हुआ था कि मैं घर से बहुत दूर था और गाड़ी वाड़ी भी नहीं था, पैदल ही था, तो इस कारण से बारिश बहुत तेज़ होने लगा, बहुत देर तक होने लगा दोस्तों, इसलिए भीग करके आना पड़ा दोस्तों। तो मोबाइल को मैं छिपा के लाया था क्योंकि पानी में भीगता तो ख़राब हो जाता है, इस कारण से मैं छिपा के लाया था। तो इस कारण से मैं ब्लॉक में नहीं दिखाया, मतलब बारिश में भीगने का ये सब का, और तबीयत सही नहीं लग रहा था, इस कारण से जल्दी से आया और कपड़ा वपड़ा चेंज वेंज करके जल्दी से पहुँच उच लिया, सब कुछ कर लिया दोस्तों। और दोस्तों कल का 10वीं मुहर्रम बहुत ही ख़राब चला गया क्योंकि बारिश होने लगा। अगर बारिश नहीं होता तो और भी अच्छे से किया जाता, तो बारिश होने लगा इस कारण से जल्दी से ताजिया उजिया को लेकर निकल गया गया और पूरा हम लोग दोस्त लोग सबको नहा वहा के पूरा ठीक करके घर आए थे दोस्तों, और तबीयत सही नहीं लग रहा था। तो वो सब छोड़िए, आज का एक नया ब्लॉग है दोस्तों। और अभी मैं रूम पर आया हुआ हूँ और मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं मैं वीडियो को थोड़ा एडिट कर रहा हूँ, तो जल्दी से वीडियो को मैं एडिट कर लेता हूँ, उसके बाद जाऊँगा जल्दी से, फ्रेश हो जाऊँगा क्योंकि सर में तेल लगा हुआ है और अजीब लग रहा है। तो जल्दी से मैं फ्रेश हो जाता हूँ, फिर आप लोग से मिलता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली अभी शाम हो रही है, लगभग मगरिब का अजान हो चुका है, 6:30 बज चुके हैं दोस्तों शाम के, और मैं थोड़ा छत पर आया हुआ हूँ। और आज मौसम तो साफ ही लग रहा है लेकिन बादल है। मैं आपको बैक कैमरा से एक बार माहौल दिखाता हूँ यहाँ का। तो दोस्तों मौसम यहाँ का आप लोग देख सकते हैं कैसा मौसम किया दोस्तों, पूरा बादल पूरा घेरा ही हुआ है, ऐसा लग रहा है आज भी बारिश हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं थोड़ा देर रहूँगा छत पे, उसके बाद फिर नीचे जाता हूँ, तब आप लोग से मिलता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली अभी रात हो रही है, रात के लगभग 9 बजे हैं और मैं जा रहा हूँ, आज घर में खाना वाना नहीं बना है तो जा रहा हूँ जल्दी से खाना लाने के लिए, तो जल्दी से जाते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं खाना लेकर के आ चुका हूँ होटल से, आपको मैं दिखाता हूँ बैक कैमरा से। देख सकते हैं इसमें पनीर है और इसमें नान है दोस्तों, आ चुका है, तो आप जल्दी से खाते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों ये नान आ चुका है और ये कढ़ाई पनीर है जो आज मैं बाहर से लेकर आया हूँ। दोस्तों फाइनली मैं तो बाहर से लेकर आ गया हूँ खाना आज का, तो जल्दी से इसको खा लेते हैं और खाने के बाद आपको बताते हैं कि कैसा है दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली खाना पीना हो चुका है और बहुत ही अच्छा खाना था होटल का, यहाँ का जो अच्छा होटल है वहाँ से खाना लाया गया था, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट था खाने में, बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों खाना, तो खा लिए दोस्तों। तो आप लोग को बता दूँ कि आज खाना क्यों लाना पड़ा, क्योंकि मम्मी का तबीयत ठीक नहीं था तो इस कारण से खाना नहीं बना था आज घर पे, तो इस कारण से खाना लेकर आए दोस्तों और सब कोई मिल बांट के खा लिए दोस्तों। और दोस्तों आपको तो पता ही है कल मुहर्रम था 10वीं, जो कि बहुत ही बारिश आकर के ख़राब कर दिया मुहर्रम को, और बहुत ही अभी तक दोस्तों थकावट आ रहा है, इतना थकावट लग रहा है कि क्या ही बोले दोस्तों, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बहुत थकावट है दोस्तों। और आप लोगों के लिए दोस्तों अभी ब्लॉग को भी एडिट करना है, तब ना आप लोगों को ब्लॉग में अपना दिखा पाऊँगा। और दोस्तों खाना बहुत ही ज़बरदस्त था और बहुत ही मस्त था और बहुत ही अच्छा था। आप लोगों को भी कभी कदा खाना चाहिए बाहर का, लेकिन रोज़ ना खाएं दोस्तों, कभी कदा खा लें, अगर घर में प्रॉब्लम हो या कुछ हो तो बाहर से मंगा के खाएं, लेकिन खाली पेट ना सोएं दोस्तों। तो दोस्तों आज का ब्लॉग को मैं यहीं पर डी एंड कर रहा हूँ, ज़्यादा आज मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि आज भी बहुत ज़्यादा थकावट टाइप का लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल के एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।